भगवान श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी? क्या राधा ने शादी से मना किया था या फिर इसका और कुछ कारण है? नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो ये सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं की? 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे कृष्णा और राधा की प्रेम कहानी के बारे में। आखिर कृष्णा ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी? लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी राधा और कृष्णा की तरह किसी से प्रेम करते हैं? दोस्तों, अगर इसका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप राधे श्याम अवश्य लिखें। और साथ ही यदि आप इस दिव्य सृष्टि चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस प्रेम भरा आध्यात्मिक कहानी को शुरू करते हैं। राधा कौन थी? ब्रह्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों को ये मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता था। ब्रह्मपर्वत पुराने के अनुसार राधा जी कृष्णा से 5 साल बड़ी थी और उनकी मित्र भी थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मपर्वत पुराने के अनुसार राधा का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्णा की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। राधा और कृष्णा की प्रेम कहानी। मान्यता है कि जब श्री कृष्णा 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई जो 12 साल की थी। श्री कृष्णा राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। वो लोग राधा और कृष्णा की विवाह के इसीलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा को मथुरा बुलावा आया। वो हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वो वापस लौटेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। ना ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने की जिक्र मिलता है। राधा और कृष्णा का विवाह क्यों नहीं हुआ था? दोस्तों, राधा और कृष्णा का विवाह
ना होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना जाते थे, परंतु भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वो वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्णा के अवतार में देवी राधा से उनका विवाह ना हो सका। क्या राधा ने भी शादी से मना किया था? दोस्तों, एक मत ये भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम तो करती थी, लेकिन जब वो मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे श्री कृष्णा एक राजकुमारी से विवाह करे, इसीलिए ही राधा ने श्री कृष्णा से विवाह ना करने की ठान ली। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्णा भगवान का अवतार है, वो खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्णा की भक्ति में लीन हो चुकी थी, वो भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। श्री कृष्णा राधा के पास वापस क्यों नहीं लौटे? भगवान श्री कृष्णा की शरारत, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित करना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्णा ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व मानते थे। वो मनुष्य को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी शादियों से एक ही है। जहाँ कृष्णा का नाम है वहाँ राधा का स्मरण भी स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्णा और राधा का विवाह ना होने की कारण। आशा करती हूँ कि आज की इस प्रेम भरा आध्यात्मिक कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की राधा और श्री कृष्णा की प्रेम भरा भक्तिमय कहानी यदि सच में आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे श्याम अवश्य लिखें। और ऐसे ही आध्यात्मिक रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।